তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা স্যার আমরা বাস মেটা তো খারাপ মানে বাজার বাজারে কি এই প্লাস্টিক ইউজ করে এই 35 বছর লাগে ডিগ্রেড হতে এটা তো এদের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ফুল। तो आज दुर्गा पूजा और आने वाले फेस्टिवल में जो फूड विक्रेता हैं वो उनके लेके लगभग 43 बाज़ारों से आए फूड विक्रेता के साथ बात हुई। इसमें हम लोगों ने फूड सेफ्टी और हाइजीन पे बात की और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप फूड का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखें, उसमें कोई मिलावट ना करें, कोई भी एक्सपायर्ड फूड ना बेचें और जो भी साफ़ सुथरा है या जो भी प्रमाइसेस हैं उनको क्लीन रखें और जो भी रिजनेबल रेट पे वो फूडों का डिस्पोजल करें अपने लेवल पे। और अगर कोई किसी तरह के लाइसेंस या किसी तरह की कोई सहायता सरकार की तरफ से आए तो वो आप हमारे जो फूड ऑफिस सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको बताएं, हमें भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। इस दौरान कुछ फूड विक्रेताओं ने लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर है उसको सरल करने के लिए हमसे निवेदन किया है, इसके लिए हम कैंप मोड पे उनको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे पूजा के दौरान भी और पूजा के बाद भी, और हमें उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद करते हैं कि पूजा सभी के लिए काफ़ी मंगलमय और स्वच्छ रहे।